हम सब के लिए बहुत गर्व का बात है कि आपकी सरकार जो आपके भावनाओं के अनुरूप जो सरकार बनी है वो निरंतर आपके बीच आपके द्वार सरकार को बार बार लाने का काम कर रही है, ताकि एक एक व्यक्ति जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े हैं उन तक सरकार की नजरें पहुंच सके, उन तक सरकार की कान पहुंच सके। यहाँ पे उपस्थित माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के, साथ ही माननीय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी, दर्जा प्राप्त मंत्री फागु बेसरा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय चौबे जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अभिषेक कुमार पिंटू जी, इस जिला के डीसी अबू इमरान जी, एसपी चदध्यक्ष ममता देवी जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार दुबे जी एवं तमाम पार्टी के सभी पदाधिकारी से लेकर समाज सेवी गण और मंच में सभी पदाधिकारी गण उपस्थित, यहाँ मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई बंधु, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, यहाँ सभी उपस्थित मीडिया बंधु, सभी कलाकार बंधु, आप सभी को झारखंडी जोहार करते हैं, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथियों, आज जो हम दृश्य देख पा रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य से ये दृश्य देखने को मिला है, क्योंकि जब से झारखंड अलग हुआ है आप सब गवाह हैं और इस चीज को आप जानते हैं कि हर घर में जो समस्या देखने को मिलता था, जो शर्म आना चाहिए विपक्ष के लोगों को कि हमेशा देखते रहे और सिर्फ भटकने के लिए छोड़ दिया, वैसे बूढ़े दादा दादी को, वैसे विकलांग भाई बहन बंधु को, वैसी विधवा बहनों को जो पता नहीं कितने बार कहां कहां चक्कर काट के और कितने लोग का स्वर्गवास भी हो गया होगा, ऐसे लोगों को बस भटकने के लिए छोड़ दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो आज हमारी सरकार शिक्षा पे जो विश्वास जो सरकारी स्कूल में आम माता पिता को देखने को मिलता है, अभी देखिए जहां पे 5,000 से 10,000 फॉर्म जो सरकारी स्कूल में भरने के लिए जो माता पिता अप्लाई करते हैं, वहां पे 50,000 फॉर्म लोग लड़ लड़ के भर रहे हैं कि हमें भी ये सरकारी स्कूल में फॉर्म भरना है। जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 500 से ज्यादा जो योजना के अंतर्गत जो चलाया जा रहा है, तीन स्कूल, अभी डीसी साहब बता रहे थे कि जिला में 3 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को यहाँ पे इनॉग्रेशन करके स्थापित किया गया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ मन से माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपनी सरकार को, जो जनता के अनुरूप हर समय कदम आगे बढ़ाते जा रही है, चाहे वो किसानों का बात हो। कभी भी आज तक कोई सरकार बनी एक रुपया भी कर्जा माफी आज तक नहीं किया, कभी भी कोई सरकार बनी एक यूनिट बिजली माफी योजना के तहत एक रुपया भी माफी नहीं किया गया, लेकिन हमारी सरकार आम लोगों को राहत देने का काम कर रही है। ऐसी परिस्थिति में भी जहां पे करोड़ों करोड़ रुपया झारखंड का जीएसटी का, झारखंड का पैसा जो करोड़ों करोड़ केंद्र सरकार दबा के रखी हुई है और झारखंड को उसका हक नहीं दे रही है, विपरीत परिस्थिति में भी जहां पे 2 साल कोरोना को हैंडल करने में, कोरोना जैसे खतरनाक वातावरण को सबसे अच्छा जो हमारे प्रदेश ने संभाला है, उसके बाद 2 साल में जो परिवर्तन देखने को मिला है, आज एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे जिसका पेंशन नहीं बना होगा। जो लाभुक जो इधर उधर भटक रहे थे इतने सालों से, आज आशीर्वाद दे रहे हैं हमारी सरकार को कि ये सरकार पहले बनी रहती तो शायद उनके घर में जितने दादा दादी और जितने सास ससुर हैं उनका देहांत हो गया जो पेंशन के इंतजार में, आज कम से कम पेंशन देख के वो जाते। साथियों, योजनाएं बहुत सारी है, जो एक एक योजनाओं के बारे में बताना मुश्किल है इस मंच के माध्यम से, क्योंकि सभी यहाँ माननीय मंत्री जी आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और सब लोग को अपना आशीर्वचन यहाँ देना है। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि एक एक योजना मील का पत्थर साबित हो रहा है, लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में सरकार
की गति इतनी तेजी से काम कर रही है। पहले सरकारी स्कूल में विश्वास नहीं होता था माता पिता को कि यहाँ से पढ़ के उनके बच्चे कुछ बनेंगे, जो विश्वास आज हमारी सरकार ने पैदा किया है सरकारी स्कूल के प्रति वो बिल्कुल सराहनीय है। पहले बस माता पिता ये बोलते थे कि हम कहाँ पढ़ाएंगे, हम कहाँ पढ़ाए वो, यही ना पढ़ाए वो, हमारे पास पैसा ना हो तो सरकारी स्कूल में ही ना पढ़ाए वो। लेकिन आज वो भी सपना देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे तो ये पूरा विश्वास है कि उनका बेटा इंजीनियर, डॉक्टर या जो बनना चाहता है वो बनेगा। हर क्षेत्र में सरकार चाह रही है कि लोग हुनरमंद बने। 40 अलग अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि बच्चे आगे बढ़ के हुनरमंद बनने का काम करें, जिस क्षेत्र में उनको रुचि है उस क्षेत्र में प्रशिक्षण ले और आगे बढ़ के उनको सरकार भी जगह लगाने का काम कर रही है, और जो सर्टिफिकेट मिलेगा उनको उसका लाभ उनको दूसरे या तो प्राइवेट जगह जहां पे जाना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी में भी उनको जगह दिलाने का काम किया जाएगा। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें या स्वास्थ्य सुविधा का बात करें, चाहे नियुक्ति का बात करें, जिसके बारे में विपक्ष पता नहीं कहां कहां लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, जितना काम ये सरकार में हुआ है मैं दावे के साथ कहना चाहती हूं कि उससे जरा भी उसका 50% भी काम कभी कोई सरकार ने किया है तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगी। मैं आज ये मंच के माध्यम से कहती हूं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी सरकार ने काम किया है तो ये आपकी सरकार ने काम किया है, ये हमारी सरकार ने काम किया है। अगर किसी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है तो ये सरकार ने काम किया है। अगर कोई सरकार ने नियुक्ति सबसे ज्यादा अगर कोई नियुक्ति दिया है तो ये सरकार सबसे ज्यादा नियुक्ति देने का काम की है। साथियों, निश्चित रूप से समस्याएं तो बहुत है, चुनौतियां बहुत है, क्योंकि ये आज का समस्या नहीं है, ये दशकों का समस्या है। जब से झारखंड अलग हुआ तब से जो भी सरकारें आई बस अपने फायदे के बारे में सोचती रही और जनता को छोड़ दिया उनके हालत में। लेकिन उन सब चीजों से बाहर लोगों को निकालने में सरकार जो मेहनत कर रही है वो मेहनत आपके सामने जो रंग ला रहा है वो साफ साफ आप लोगों के समक्ष दिख रहा है, ये कोई छुपाने की बात नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आप लोग किसी से भी पूछ ले, कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जिसका पेंशन नहीं हुआ होगा, चुन चुन के वैसे लोगों को पेंशन दिलाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, 4 साल से एक भी बेघर को आवाज देने का काम केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन पूरे देश में पहला राज्य है झारखंड राज्य जो अब वो आवास भी बेघर लोगों को दे रहा है, क्योंकि हम और हमारी सरकार ये विश्वास रखती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए हम किसी को भटकने नहीं देंगे, हम रोटी भी देंगे कपड़ा भी देंगे। और केंद्र सरकार ये रोटी कपड़ा तो बंद कर दी है, मकान भी बंद कर दी है, अब अबुआ आवास भी हमारी सरकार देगी और ठीक उसी तरह से चुन चुन के सबको दिया जाएगा जैसे चुन चुन के ये पेंशन का समस्या जड़ से हल करने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसी तरह से चुन चुन के जो बेघर है जिनके पास आवास नहीं है उनका भी समस्या का समाधान हमारी सरकार जड़ से खत्म करने का काम करेगी। साथियों, जो कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हम उस परिस्थिति में नहीं है जहां पे ऐसे जो लाचार लोग हैं जिनका कोई नहीं है, जो बेसहारा लोग हैं अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनको मना नहीं करते। जितने भी मुखिया हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आज उनका इज्जत बचाने का काम हमारी सरकार ने किया, वरना पहले जो जितने भी जनप्रतिनिधि थे प्रदेश में उनके पास कोई भी लाचार बेबस बेसहारा अगर जाते थे कि हमको पेंशन नहीं मिल रहा, हमको आवास नहीं मिल रहा, हमको राशन कार्ड नहीं मिल रहा, हमको फलाना नहीं मिल रहा है, तो उनके पास कोई उपाय नहीं रहता था सिवाय कि उनको वापस भेजने के। लेकिन आज जितने भी जनप्रतिनिधि झारखंड के अंदर है सब बहुत उत्साहित है, खुश है, ताकि सबका काम वो करवा पा रहे हैं। और जो सरकार आपकी द्वार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मेरा अनुभव जो सरकार आपकी द्वार में जाके मुझे जो महसूस हो रहा है, मैं हर पंचायत जाती हूँ सर और जो भीड़ जो उत्साह देखने को मिल रहा है मैं कह सकती हूँ वो कोई मेले या कोई त्योहार से कम नहीं रहता है। हर पंचायत में हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और ये दृश्य एक जनप्रतिनिधि होने के नाते देख के बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है और मुझे गर्व हो रहा है कि सरकार जो आम
जो जनभावनाओं के अनुरूप बनी है वो आम जनभावनाओं के अनुरूप ही काम कर रही है, क्योंकि समय का अभाव है साथियों, वरना मैं एक एक योजना के बारे में अच्छे से विस्तृत रूप से बता सकती थी, क्योंकि मैं हर पंचायत में बताती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मंच में कई माननीय है वो आपको नई नई और कई सारी जानकारी भी देंगे और उपलब्धि भी बताएंगे, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बस ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजों को, जो दूसरी प्रदेश में हिम्मत नहीं है, ऐसी ऐसी चीज हमारी राज्य सरकार ने किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो हिम्मत दिखाया है, चाहे ओल्ड पेंशन लागू करना, चाहे पुलिस कर्मियों को राहत देना, चाहे पारा टीचर हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, चाहे कोई भी तबके हो, सबको लेके आगे बढ़ने का काम कर रही है हमारी सरकार, और इतने कम समय में बहुत आगे झारखंड को लेके जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं एक जो समस्या है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसको जल्द हल करने वाले हैं, उसके लिए मैं जो विस्थापित क्षेत्र है जहाँ पे विस्थापित लोग काफी परेशान रहते हैं, जो केंद्र सरकार की कंपनियां जो मनमानी कर रही है उनको मॉनिटर करने के लिए जल्द ही हमारे सरकार की तरफ से विस्थापन आयोग का गठन होगा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच भी है, मैं आग्रह करती हूँ कि इसको भी जल्दी आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को।